मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन्स इलाके के अंबेडकर पार्क में आज भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हुई हैं। सीधा उनसे जानेंगे जी, आज टीचर्स डे है, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, आखिर आज ही के दिन क्यों इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, हम जो है स्कूल पूर्व शिक्षा 1975 से हम लोग कर रहे हैं और 3 साल से 6 साल के बच्चे हम लोग पढ़ाते हैं। आज टीचर्स डे के ऊपर, क्योंकि आज जो हमारी मेन हमारी जो योजना है और जो हमारी स्कीम है वो हमसे छीनी जा रही है, उसके लिए आज हम चिंतित हैं और हम लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर महानिदेशक बेसिक शिक्षा विभाग को हम ज्ञापन सौंपेंगे कि ये जो शिक्षा है जो हम देते चले आ रहे हैं इन पर इनको नहीं हमसे छीना जाए और नए जो ये एजुकेटर रख रहे हैं उनको जो है नहीं रखा जाए, नई शिक्षा नीति जो है वो वापस ली जाए, इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ लामबद्ध हो रहे हैं। जी, किस लिए आज इकट्ठा हुए, क्या कुछ मांग रहेगी अधिकारी? मांग हमारी यही है कि एजुकेटर की भर्ती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी भर्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे महासचिव जी ने कहा अभी कि एजुकेटर की भर्ती पे बिल्कुल भी 1 से 1,000 तक 100 तक बिल्कुल भी हमें रोक लगानी है, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े चाहे धरने देने पड़े, एजुकेटर की भर्ती बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि एजुकेटर रखने का मतलब ना वो हमारे विभाग से है ना हमारे उस मानदेय से है, कोई मतलब नहीं है। हम है ना, हमसे लो काम, हमारा मानदेय बढ़ाओ तब एजुकेटर की भर्ती करो। कितने आपके कर्मचारी हैं? हमारे जनपद में 3,000 हेल्पर और वर्कर दोनों लोग हैं और वो सारे के सारे जो लोग हैं आज बहुत ही निराश हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर ये लोग सब आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो इसके लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। एक अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, सरकार एक ICDS का अस्तित्व ही खत्म करना चाह रही है, जो कि अस्तित्व हम खत्म किसी होने नहीं देंगे। 75 से ये परियोजना चली आ रही है। हमारी बहनें पहले तो सरकार ने बिना बताए बिना कुछ दिए उन्हें रिटायर कर दिया, बिल्कुल निकाल दिया। जो बहनें ऐसी हैं जो 10 रुपये यहाँ तक आने के लिए भी मोहताज हैं, तो पहले तो हमारी एजुकेटर की भर्ती खत्म करो। दूसरे रिटायर जो हमारी बहनें हुई हैं उन्हें ग्रेजुएटी पेंशन दो, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हम मुकदमा जीत चुके हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार बिल्कुल भी देने में आनाकानी कर रही है। क्या कुछ समस्याएं हैं? हमारी संस्था है 50 साल पुरानी, हमारी बहनें जो हैं इतनी पुरानी बुढ़िया वो अब कुछ ही उनका 2-2 पैसे के लिए परेशान है, तो उनको कुछ तो पैसा मिलना चाहिए रिटायर्ड के बाद में कि वो अपना खर्चा चला सके। और जो काम आप एजुकेटर से लेना चाहते हैं वो काम आप आंगनवाड़ियों से लीजिए, आंगनवाड़ी हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, हर काम बढ़िया तरीके से करके देती, हर सर्वे बढ़िया तरीके से करके देती। एजुकेटर की जगह आप हम लोगों को लगाइए, हमारी ट्रेनिंग करिए और हम अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं, उनसे अच्छा काम हम करके दिखाएंगे। वो नहीं कर पाएंगी, हम कर कितने आ रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, कितनी पुरानी संस्था हो गई हमारी, हम हर काम करने के लिए तैयार हैं। समझ जी, आज किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए? आज यहाँ जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो एजुकेटर की भर्ती पे जो सरकार ने हमारे ऊपर एकदम बम फोड़ा है, इसको हमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि हम लगभग यहाँ 30-30 साल की 35-35 साल से 25-25 साल से लड़कियाँ काम कर रही हैं हर क्षेत्र में, एक नहीं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, BLO का हो, राशन की ड्यूटी हो, पोलियो हो, टीकाकरण हो, सभी में। मगर सरकार क्या कर रही है, हमें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रही है जो हमें बर्दाश्त नहीं है। एजुकेटर की भर्ती के लिए हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुरादाबाद जिले के सिविल लाइन्स इलाके के अंबेडकर पार्क में आज भारी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों से भी मुलाकात की जाएगी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।